अलेका गांव से मिले बिना सिर पैर के नवजात बच्चे के शव का नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया गया। नवजात बच्चे का गांव में कुत्ते नोच रहे थे। गांव के नंबरदार ने रोड़ी थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और क्षत विक्षत हालत में शव को पोस्टमार्टम के नागरिक अस्पताल लाया गया। पुलिस ने इस संदर्भ में अज्ञात महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। पुलिस का दावा है कि शीघ्र ही आरोपी महिला को काबू कर लिया जाएगा। आशा वर्करों से भी क्षेत्र की गर्भवती महिलाओं की जानकारी मांगी गई है ताकि जांच को आगे बढ़ाया जा सके। गौरतलब है कि कल पुलिस ने अलिका गांव के बाबा रामदेव मंदिर के निकट से नवजात बच्चे का शव क्षत विक्षत हालत में बरामद किया था। नवजात के पैरों का हिस्सा व सिर नहीं था। बताया गया है कि शव को कुत्ते नोच रहे थे। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल में भिजवाया। श्यामलाल नंबरदार का टेलीफोन थाना में प्राप्त हुआ था मुंशी के पास कि वही गांव के रामदेव बाबा के मंदिर के पास गली में किसी नाम पता ना मालूम भरून पड़ा है जिसको कुत्ते खा रहे हैं। तो यही इतला पाकर हम मौका पर पहुंचे। जाकर के श्यामलाल का बयान अंकित किया गया और उसकी बच्चे भरून का पोस्टमार्टम करवा के गांव की शमशान घाट में मौजूद आदमियों की देख रेख में उसका दाह संस्कार करवा दिया और पुलिस मामले में जुटी हुई है। जांच करके जल्दी से जल्दी इसका सलूशन करेंगे। क्या लगता है सर, मामला कोई तांत्रिक से जुड़ा हो सकता है? हो सकता है किसी तांत्रिक से भी हो। अभी तो हम गहराई में जाएंगे, आशा वर्करों वगैरह से भी इनका रिकॉर्ड लेंगे जो महिला गर्भवतियाँ होती हैं, उसके बाद जैसा होगा कार्रवाई। ये कुत्तों ने खा रखा था, इसका कोई ऐसा नहीं मिला। बच्चा सर, बच्चे की एज पूरी है? हाँ, बच्चा ऐसा लगता है जैसे तो पता नहीं है। ऐसा नहीं पता, वो पोस्टमार्टम करवाया, उसके रिपोर्ट आने के बाद पता लगेगा लड़का था। पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया अज्ञात नाम पता ना मालूम महिला के खिलाफ़।